हेलो दोस्त, एक कंसर्न है इन्वायरमेंटल इशू कंसर्न टू इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज। ये टॉपिक है आपका एग्ज़ाम का सिलेबस का है, हालांकि साथ इसमें आपका पोल्यूशन भी जुड़ जाता है क्योंकि इन्वायरमेंटल इशू में पोल्यूशन सारे टाइप के भी जुड़ जाते हैं। तो इस टॉपिक का सिलेबस मुझे कहीं नहीं दिख रहा था और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था जब एनटीपीसी की एग्ज़ाम का शुरुआत हुआ था, तो इस पे डिटेल में बताया जाए। तो ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी एक दो प्रश्न आते हैं, एक दो प्रश्न, लेकिन एनटीपीसी में 2 से 3 प्रश्न, सीबीटी 1 में भी और सीबीटी 2 में भी आता है, एलपी टेक्नीशियन में भी 2-3 प्रश्न, जेई में तो इसका भरमार ही रहता है क्योंकि वो लेवल हाई होता है, वहाँ पर आपका जेई एसएससी वगैरह एग्ज़ाम काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके देखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। इस टॉपिक में 14 टॉपिक को हमने लिया है और डिटेल वीडियो बाद में बनाने का भी इसका प्रश्न को निकालेंगे और जो प्रश्न हमारे चैनल पे अवेलेबल है उसको आपको दिखा देते हैं। और तीसरा यहाँ पे टॉपिक है कि पीडीएफ में सिलेबस में यहाँ पे आपको अपलोड कर दूंगा, वीडियो अपडेट होने के बाद थोड़ी देर में मिल जाएगा। लेकिन आज है 3 जुलाई 2021 और कितने दिन तक ये अपडेट रहेगा, जब तक आपकी हमारे गूगल के द्वारा डाटा सेविंग है उतना में बना रहेगा तो ये रहेगा, तो अभी तो मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले चलते हैं सिलेबस पे, क्योंकि बिना सिलेबस के तो बात करना सही बात नहीं है। तो देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम खोल लीजिएगा रेलवे का, तो मैं अभी खोल रखा हूँ एनटीपीसी वाला। तो 1/19 नोटिफिकेशन में इसमें हमें सिलेबस में जनरल अवेयरनेस की टॉपिक देखनी है। इस टॉपिक में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक टॉपिक मिलेगा, इन्वायरमेंटल इश्यू कंसर्न ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन और कुछ आईटी से रिलेटेड प्रश्न आते थे। तो हमने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखा था, उस प्लेलिस्ट को अभी वीडियो में हम दिखाएंगे आपके हम अपने यूट्यूब चैनल पे। लेकिन यहाँ पे सिलेबस की बात कर रहे हैं हम इन्वायरमेंटल इशू का, केवल इस टॉपिक पे अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसको देखने के लिए हम चलेंगे, तो चलते हैं इस टॉपिक को देखने के लिए। पहले प्लेलिस्ट आपको दिखा दूं, उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। तो हमारे चैनल पे आइएगा, तो हम चैनल हमारे पास रेलवे लाइव है, तो रेलवे लाइव चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जा सकते हैं। इस सेक्शन में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 11 वीडियो दिखेगा आपका इसी से रिलेटेड, जिसमें बेसिक कंप्यूटर और आईटी लिटरेसी दोनों है, कंप्यूटर का भी है, आईटी का भी है, बेसिक इन्वायरमेंट और पोल्यूशन का भी है, और जो वर्तमान वीडियो भी होगा तो इसी में होगा। और यहाँ पे करीब करीब यहाँ कह सकते हैं 200 से 300 क्वेश्चन को हमने करीब करीब यहाँ पे ला लिया है। तो अच्छी खासी ये वीडियो है, यानी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और बाद में भी बनाएंगे। अभी हम बात करते हैं जो हमारा प्रेजेंट सिलेबस है उसकी, तो इसको हटा देते हैं। हमारे पास जो सिलेबस हमने बना रखा है जो डाउनलोड के लिए आपके लिए मिल जाएगा थोड़ी देर में, तो देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देखने वाली बात है। सिलेबस तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैंने जहाँ से बता दिया चैनल से वहाँ से, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हम इस बात को थोड़ा आपके लिए हाईलाइट कर लेंगे। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न को हमने अलग अलग तरीके से बात रखा है, छोटे छोटे टॉपिकों में। एक तरीका है कि हमने हेडलाइन दे दिया है और हेडलाइन का भी छोटे छोटे केसेस जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। पहला देखिए, इफेक्ट ऑफ खतरनाक मेटल पोल्यूटेंट, यानी हजार्डियस मेटल पोल्यूटेंट के बारे में आपने देखा होगा। हमेशा ये प्रश्न पूछता है, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, और भी कोई एग्ज़ाम हो। हालांकि मैं रेलवे कवर करता हूं, इसलिए टॉपिक में हमने रेलवे रखा है और यहां के सिलेबस रखा हूं। ये सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, इवन 10th+10th की सीबीएसई एग्ज़ाम वगैरह सभी में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक सिलेबस का हमें केवल पार्ट देखना है, यहाँ डिटेल हमें अध्ययन नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, भोपाल ट्रेजिडी आपने देखा होगा, इसमें से क्या क्या प्रश्न पूछता है, घटना कब हुई थी, कौन सा गैस निकला था, इससे इफेक्टेड क्या हुए थे और इसकी परिणाम क्या हुआ था, उस टाइप से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बस छोटे से टॉपिक में लेना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है। और कौन सी कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड था, किसके उसके कंपनी के ओनर कौन थे, ये वगैरह वगैरह 2-4 प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। उसके बाद अगला में है मरकरी, मरकरी का प्रश्न WHO ने स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है कि कितनी मरकरी लेवल होनी चाहिए आपके फूड या पानी पीते हैं उसमें, एचजी के टर्म में। तो यहाँ पे 0.0
1 mg पर लीटर के हिसाब से इन्होंने डिसाइड किया है। लेकिन कई बार क्या है, कई लोग कहते हैं समुद्री फिश, हवेल वगैरह मछली का स्रोत है, उसको अगर यूज करते हैं तो ये 20 गुना ज़्यादा आ जाता है, तो ये हमारे लिए नुकसान है। इसका परिणाम क्या होगा, ये सिलेबस का पार्ट है। अगला पास है फ्लोराइड। बहुत ज़्यादा पानी में आजकल फ्लोराइड मिल रही है, तो इसका डेंटल और आपका टीथ का एनेमल्स वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, और ये फ्लोराइड का भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इससे और भी बीमारियां होती है, लेकिन मेन मैं यहाँ पे छोटी सी बता रहा हूँ, बाकी सब में हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आर्सेनिक, सबसे ज़्यादा आज के टॉपिक है कि अगर पानी या फूड में आपका आर्सेनिक आ गया तो हजारों तरह की बीमारियाँ बढ़ सकती है, किडनी का, स्किन कैंसर, ब्लैडर का, लंग का, ये सारा है, आपकी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम में हो सकता है, साथ में आपकी बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है, सारा आर्सेनिक का खेल है, और आर्सेनिक को इशू आता है मेटेलिक वाले में। उसके बाद पांचवा है कार्बन मोनोऑक्साइड। गाड़ियों से धुआं निकलती है, उसमें क्या होता है, लेकिन जैसे ही हमारे ये लंग्स में पहुँचता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, जब निकलता है तो ये ब्लड में हमारे ऑक्सीजन से 200 गुना फास्टर डिजॉल्व हो जाता है, तो इससे कारण भी कई सारी इशू आती है, तो ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। अब अगले टॉपिक में चलेंगे। अगला टॉपिक है यहाँ पे गवर्नमेंट की रूल, जितने भी लेजिस्लेशन और गवर्नमेंट की रूल है इसके बारे में प्रश्न पूछता है, कौन कौन से। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे 2 होगा और ये 3 होगा, ये चौथा में जाएगा, ये 4th है, तो इसमें देखिएगा एक जगह छूट गया है टाइपिंग में, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो पहला एयर का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अच्छा एक मिनट पहले बात कर लेते हैं एक का, तो यहाँ पे है आपका एयर प्रिवेंटम एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981। इससे रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं, आपका ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, इसमें कौन कौन से कंटेंट, सल्फर कितने होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसका एक रूल है, तो यहाँ से तो रूल पूछता है, लेकिन इसकी जब डाटा में जाएंगे तो इसके कंटेंट को पूछेगा क्या क्या होता है और कैसे होता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भी आपका एयर से ही रिलेटेड होता है, लेकिन इसका दायरा एयर नहीं छोड़ के और भी चीज़ों पर बढ़ जाती है। उसके बाद वाटर वाला भी आप देख रहे हैं 1974 है। उसके बाद आपका 34th नंबर पे है नॉइज पोल्यूशन, जिसमें कई सारे नॉइज के लेवल सेट किया हुआ है, दिन में कितना होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया में कितना होना चाहिए, हाईलाइट अगर बात करना चाहेंगे तो हमने ले रखा है। तो देखिए ये पोल्यूशन लेवल को डायरेक्ट डेसीबल में पूछ देता है, कई बार तो पूछता है कि इसका डीबीए यूनिट क्या होता है, सीधी सी अगर ग्रुप में पूछ दे तो डीबीए पूछ देता है इसका यूनिट क्या है। फिर उसके बाद अगर थोड़ा हाई लेवल में पूछेगा तो इंडस्ट्रियल में कितना होना चाहिए, कमर्शियल में कितना, और रेजिडेंशियल में और साइलेंस जोन में कितनी होनी चाहिए, डे टाइम में कितनी होनी चाहिए, नाइट टाइम में कितनी होनी चाहिए, इससे आपको 50 प्रश्न बना दिया जा सकता है। हालांकि कभी कभी एक आध दो प्रश्न आता है, और सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है आपका इंडस्ट्रियल का और आपका साइलेंस जोन का। साइलेंस जोन में दिन का 50 और नाइट में 40, और इंडस्ट्रियल का 75 और 70। और एक और प्रश्न पूछ देता है कि 90 डीबीए से होगा तो हमारी ईयर में नुकसान हो सकती है, या इससे ज़्यादा कोई हम सुनते हैं तब, तो ये सारी चीज़ें पूछ देता है। कई बार इसी से रिलेटेड आजकल साइंस में भी प्रश्न पूछ देता है कि जेट का साउंड लेवल या नॉइज लेवल क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछ देता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम से पूछ देता है कि इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक सुनते हैं तो क्या आवाज़ आपकी डेसिबल क्या हो सकती है, तो वो ध्यान रखिएगा 90 डीबीए से तो कम ही होगा, और जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। कई बार पूछ देता है कि क्या बातचीत करते हैं तो क्या हो सकता है नॉइज लेवल, ये सब चीज़ें हैं ना इसी के पार्ट हैं। उसके बाद अगला है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इसके अंतर्गत और सारी चीज़ें पूछती है, और बहुत ये कानून की बात यहाँ कर रहे हैं, BOD, COD और बहुत सारे टॉपिक आते हैं इसमें। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 दिल्ली के प्रदूषण से संबंधित सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये पूरे देश के लिए लागू है, तो नेशनल वाला ग्रीन ट्रिब्यूनल का कई सारा फाइन वगैरह के लिए रिगुलेट रिपोर्ट देता है, और कौन सा पोल्यूशन कितने पे काम करता है, आपका कितना मरकरी लेवल होना चाहिए, कितना आपकी PM लेवल होनी चाहिए, पार्टिकल मैटर 2.5 और PM लेवल 2.10, ये टॉपिक है, इसके बारे में आपको इसमें आ जाता है।
इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे, लेकिन इसमें बहुत बड़ा इशू आता है और पीएम 2.5 और 2.10 एयर पोल्यूशन में भी आता है। यानी अलग तो डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगला आपका आता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो 1974 तो लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली वाटर और वे दोनों को मिला के बना हुआ है। वाटर पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मिला के एक बोर्ड बना है, जिसको CPCB के नाम से जानते हैं हम। क्या जानते हैं? CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके बारे में भी कई सारे बात पूछ दिया जाता है। उसके बाद आपका नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम NAP, इसके बारे में भी कई सारे प्रश्न आता है, तो ये भी एक टॉपिक है। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, अगला टॉपिक एक और है, नन अटेंडमेंट सिटी। तो इसके अंतर्गत क्या है, कुछ सिटी को आइडेंटिफाई पहले से ही कर लिया गया है कि ये पोल्यूटेड है, तो उनकी तो मेजरमेंट हो रही है। अगर उसके अलावा भी कोई सिटी है, उनके लिए भी ये रूल धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना है, उसको भी नन अटेंडमेंट सिटी के टर्म में रखा गया है। और फाइनली जो अगला टॉपिक है, हमने दो टॉपिक के डिटेल में बात कर लिया, अब है इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इंडेक्स, एक टॉपिक है, आप देखिएगा EPI के बारे में। तो इसके संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, एक आध दो ही आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें बनेंगे हम जब डिटेल में। कभी अभी आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं हो सकता है इसकी सब्जेक्टिव टाइप से टॉपिक लाएं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये क्या टॉपिक है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस, आप तो लोग जानते ही है, हमेशा ये प्रश्न का क्रिटेरिया बना हुआ रहता है, हमेशा ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, सबसे पहला सवाल तो यही पूछता है। तो तीन चार हैं, एक पांचवा छोड़ देते हैं यहाँ पे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। इसका नाम ही क्यों ऑप्शन दे देता है कई बार, ये है इसमें से कौन नहीं है वगैरह बना के, कई बार पूछ देता है कि कितना इसका रोल होता है। तो देखिए, वाटर वेपर में 36 से 72%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26, मीथेन में 4 से 9 और ओजोन में 3 से 7। कभी पूछ देता है क्या O2 ऑक्सीजन भी है क्या, तो नहीं, ऑक्सीजन के बदले O3 है आपका ओजोन। जब ऑक्सीजन के अणु टूट के जलवाष्प के वगैरह के साथ या ऑक्सीजन का टूट के ओजोन बनता है, तब वहाँ पे आपका ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आता है। और इसके बारे में बहुत सारी टॉपिक हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग में इसको जोड़ देता है और कई सारी चीज़ें इसका ग्रीन हाउस गैसेस का आ जाता है। अब अगले टॉपिक में आते हैं, तो भाई आपकी गाड़ियों से निकलने वाले धुआं के बारे में बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, सल्फर कितना निकलनी चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी निकलनी चाहिए, इसका लेवल क्या होना चाहिए, इसको ख़त्म करने के लिए CNG और PNG का क्यों यूज किया जाता है, ये सारी टॉपिक इसमें आता है व्हीकल इमिशन नॉर्म में। इसमें आपका भारत स्टेज 2, 3, 4 पेट्रोलियम से भी रिलेटेड आएगा और अनलीडेड पेट्रोल अभी हम बात करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आपका व्हीकल इमिशन नॉर्म्स में फॉलो होता है। और ये इन्वायरमेंटल का बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें एक टॉपिक अभी हाल फिलहाल में देखा गया है कि इसके बारे में भी आजकल पूछने लगा है, कैटालिटिक कन्वर्टर के रूप में पूछा जाता है, ये कहाँ पे लगता है और किस इंजन में लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में लगता है, CNG में नहीं लगता है, तो ये ध्यान रखना है। और ये एग्जॉस्ट पाइप में लगता है इंजन के, जहाँ से धुआं निकलती है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को किसी और दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देता है, इसकी डिटेल में आप जानेंगे, तो ये भी बहुत टॉपिक है। ये भी कई प्रकार के होता है, 2-way और 3-way, और तीसरा आपका अनलीडेड पेट्रोल, ये व्हीकल इमिशन का ही पार्ट है, अनलीडेड पेट्रोल, पेट्रोल में कितना सीसा की मात्रा होनी चाहिए, सल्फर की मात्रा होनी चाहिए, ये सारा निबाइंड करने के बारे में इसको अनलीडेड के टर्म में लिया गया है। और हमेशा इस पर इम्प्रूव चलते जा रही है कि जितना अच्छा पेट्रोल होगा उतनी हमारी गाड़ियों से प्रदूषक कम निकलेगा व्हीकल इमिशन नॉर्म्स के अंदर। तो ये भारत स्टेज अभी क्या चल रहा है, 5 या 6 चल रहा है, वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद आ रहा है इंटरनेशनल ट्रीटी, ये टॉपिक आप कवर जरूर करना है, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल, मिनिस्ट्रियल प्रोटोकॉल जो लागू हुआ था, इसके बारे में भी बार बार पूछा जाता है और ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 1989 से लागू हो गया था 1 जनवरी से, हालांकि ये 1986 में से इसका शुरू हुआ था सर्वे। उसके बाद आपका एक नया टॉपिक यहाँ पे आ गया है, एशियन ब्राउन क्लाउड, ये NGT से भी जोड़ सकते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से भी जोड़ सकते हैं। ये क्लाउड कब शुरू होता है पता है, जब आपकी जनवरी से मार्च तक जो ठंडियों के समय आप देख रहे होंगे, आजकल कोहरा होती है,
पराली जलाने का इशू होता है उस समय पीएम लेवल बहुत बढ़ जाता है, उसको इसको अलग से डिफाइन कर दिया है भारत और पाकिस्तान एरिया के लिए। साउथ एशिया जनरली वर्ल्ड के टर्म में इसको साउथ एशिया बोला जाता है। साउथ एशिया में क्लाउड इस समय बन जाती है जिससे धरती से होने वाली इमिशन ऊपर की तरफ नहीं जाती है, जिससे इन्वायरमेंट में लेवल में क्लाउड तो दिखता ही दिखता है लेकिन हमारे गैसों की कैपेसिटी जो हमारा संतुलन है वो बिगड़ जाता है, यानी कुछ गैस ज़्यादा हो जाते हैं जिसमें प्रदूषक भी हैं पीएम लेवल 2.5 वगैरह वगैरह। और इस समय देखिए कई सारे आपका ऑड इवन फार्मूला आपने सुना होगा दिल्ली का, और सारी मेजर है इसमें स्प्रिंकलर ऑफ वाटर इन रोड वगैरह वगैरह, ये सारा गाड़ियों की पोल्यूशन को कम करने के लिए इसमें अभी सम्मिलित हो रहा है। हालांकि ये सम्मिलित प्रयास है, एनजीटी भी इसमें सम्मिलित होता है, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन सब लागू हो जाता है, लेकिन यहाँ नया टॉपिक है। उसके बाद यूएनएपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम 1972 का, इसका भी टॉपिक है। बीओडी सीओडी का फुल फॉर्म कई बार पूछता है और कई बार इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी पूछ देते हैं कि किसी तालाब में पानी का बीओडी कम हो जाएगा तो क्या होगा, इस टाइप से प्रश्न को कन्वे कर देते हैं। डिटेल में जब पढ़ेंगे तब आप जान जाएंगे। उसके बाद आज का टॉपिक है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आप जानते ही हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में कोल वगैरह वगैरह पेट्रोलियम से रिलेटेड सारे चीज़ों को इसमें कवर होता है, इसके हाईलाइट पर को जोर देता है। इसका नुकसान क्या है आप जानते ही है कि इसको एक बार में हम यूज कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, इसको रिवाइव नहीं कर सकते हैं। साथ में इसी में पूछ देता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का क्या गवर्नमेंट का है, तो आपने सोचा होगा कि सोलर का टारगेट क्या है भारत का, विश्व का क्या टारगेट है, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारा 175 गीगावाइट वाला है 2030 तक, ये सब चारे कभी 225 भी मिल जाएगा, ये सारे टॉपिक को आजकल प्रश्नों में ले लिया जा रहा है। उसके बाद आपका एनर्जी कंजर्वेशन तो हमेशा आता है, इसमें स्टार लेवल बी प्रोग्राम इफिशेंसी को भी शामिल कर ले, और एनर्जी के बचत करने के लिए LED लाइट वगैरह वगैरह से प्रश्न इसी में आ जाते हैं सारा, क्योंकि ये है इन्वायरमेंटल से रिलेटेड। जितना आप LED से कम ऊर्जा का खपत करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा, ये टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है शहरों का समस्या, एरोबिक एंड नॉन एरोबिक प्रोसेस। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बहुत टेढ़ा है, लेकिन अगर सीधी भाषा में कहें कि आपने जमुना का पानी का देखा होगा जल स्तर, आपने जमुना का पानी का पानी स्तर देखता होगा, गलता हुआ पानी, सड़ता हुआ पानी, या बहुत सारी चीज़ें का इशू जिसमें आपका समझ सकते हैं कि सभी के लिए डाइवर्सिटी का प्रॉब्लम है। लेकिन ये होता क्यों है, क्योंकि कोई भी हमारा वेस्ट वाटर डायरेक्ट नदियों में जाती है उसके कारण होती है। तो इसमें SWP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह वगैरह लगाए जा रहे हैं, इसका टॉपिक ये है, जिसके कारण से इसमें पूछ देता है कौन सी कितना मात्रा क्या होती है तो क्या लॉस होती है और एक किस पे काम करता है, ये टॉपिक है। और एक आपका रेलवे से जुड़ा हुआ टॉपिक और है बायो टॉयलेट, ये कई जगह यूज हो रहा है। पहले रेलवे में क्या होता था, ट्रेन में बनी हुई शौचालय डायरेक्ट जुड़ी हुई किससे रहती थी आपकी, ओपन रहती थी और डायरेक्ट इसका डिस्चार्ज होता था आपकी ट्रैक पे, जिसके कारण से ये भी प्रदूषण का इशू है। इसमें भी इम्प्रूव करने की कोशिश किया जा रहा है कि जितना से ज़्यादा हो जाए ये किया जा रहा है। तो ये सारे टॉपिक थे और इसी तरह के और भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आखिरी और ये लास्ट है, और भी टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि सारे चीज़ों को यहाँ पे कवर कर ले। और ये छोटे छोटे टॉपिक यहाँ दिख रहे हैं, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा और ये आपको एक एग्जाम के करीब का एक बिलेंट लाएगा जिसमें आपका सिलेक्शन का होगा। तो चलिए अगले वीडियो में बात करेंगे इसका डिटेल, जब आपके पास कमेंट हो और कमेंट का पॉजिटिव रिप्लाई मिले कि कैसा रहेगा।